हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो अभी कुछ दिनों से ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स, और धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही है। और इतनी ठंड में भी हमारे जो प्लांट्स हैं बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। देखिए, वाइट कलर रोज़ है, गुलदाउदी भी अभी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये क्लांचो, ये सारे जब खिल जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे देखने में। और इधर चलिए मैं आपको दिखाऊँ कि इतनी ठंड में भी हमारा जो गुड़हल का प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और कलियां भी इसमें बहुत सारी बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं गुड़हल में भी बहुत ही अच्छे से अभी फ्लावरिंग हो रही है। फूलों का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, लेकिन बहुत ही अच्छे से ये जो प्लांट है अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं मेरे। ये गुलाब, गुलाब तो अभी बहुत ही अच्छे से खिल रहा है फ्रेंड। ये देखिए, इसका कलर जो है वो ये पिंक वाला है, देसी वाला, जिसे मैंने कटिंग से रेडी किया था। और इसमें बहुत सारे बर्ड्स भी जो है बने हुए हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे से गुलाब का जो प्लांट है अभी फ्लावरिंग कर रहा है। अगर हम नर्सरी से प्लांट लेने जाते हैं तो दो चार प्लांट ही खरीद पाते हैं, तो इतने सारे प्लांट तो हम नर्सरी से नहीं ला सकते हैं फ्रेंड। तो धीरे धीरे कटिंग करके जब हम प्लांट को रेडी करते हैं तो हमारे पास प्लांट जो हैं वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स का अपडेट दे देती हूँ कि किस तरह से हम कटिंग से धीरे धीरे इतने सारे प्लांट जो हैं वो बना लेते हैं। देख सकते हैं, ये है कलांचो का प्लांट जो कि देसी वाला है, बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड। आप देख रहे हैं, इतने सारे मैंने इस तरह से बना लिए हैं फ्रेंड कटिंग कर करके। तो ये जो प्लांट है, मेरे पास मात्र एक ही ब्रांच था जिसे मैं कहीं से लेकर आई थी फ्रेंड, तो उसी एक ही ब्रांच से मैंने इतने सारे कलांचो के प्लांट जो हैं बना लिए हैं। एक ब्रांच भी आपको कहीं से मिल जाती है तो आप लेकर आइए, तो उससे आपके ढेर सारे प्लांट जो हैं वो फ्री में रेडी हो जाएंगे। तो कुछ दिनों पहले ही मैंने इसकी एक छोटी सी ब्रांच जो है इसमें इसी तरह से इस मिट्टी में दबा दी थी। आप देख सकते हैं, इसमें रूट जो है इस तरह से बन गई है। तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट है रेडी हो जाता है, और इतना ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है कि ये तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। अगला जो प्लांट है वो मैरीगोल्ड का प्लांट है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे फ्लावर जो हैं भरे हुए हैं, और इसे मैंने एक इस तरह के आटे के ग्रो बैग में ही लगा के रखा फ्रेंड। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये मेरा कटिंग से रेडी हुआ प्लांट है। इसकी जब कटिंग मैंने लगाई थी तो आप लोग से शेयर भी किया था। और आप देख सकते हैं, इधर भी मैरीगोल्ड के कुछ प्लांट है जिसे मैंने कटिंग से ही रेडी किया है। तो ये सारे के सारे प्लांट मैंने एक ही प्लांट से कटिंग ले लेकर रेडी किया है। ये जो छोटा वाला प्लांट आप देख रहे हैं, इसे मैंने एक ग्रो बैग में लगा दिया। और वो जो प्लांट येलो वाला जो फ्लावरिंग कर रहा है, तो इसी की कटिंग लेकर मैंने इस छोटे से ग्रो बैग में लगा दी थी। और देख सकते हैं, इसमें भी बर्ड्स जो हैं आ रहे हैं। इधर ये जाफरी वाला मैरीगोल्ड है, तो इसे मैंने खरीद के लाया था। और इसी की कटिंग लेकर मैंने और भी प्लांट जो हैं रेडी कर लिए हैं। और इधर भी छोटे छोटे जाफरी वाले ही ये गेंदा है, तो इसकी भी कटिंग लेकर मैंने ढेर सारे प्लांट जो है रेडी कर लिए हैं। तो इधर एक प्लांट है और इधर भी एक प्लांट, देख सकते हैं ढेर सारे प्लांट भी मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैरीगोल्ड का एक ब्रांच जो है इसमें टूट कर इस तरह मैंने इसे मिट्टी में दबा दिया था, तो और ये प्लांट जो है लग गया है बहुत ही आसानी से। लगे जाफरी वाले गेंदा की छोटी सी कटिंग मैंने लेकर इस पेपर के ग्लास में लगा दी थी फ्रेंड, और ये कटिंग जो है मेरी लग गई है। और इसमें देख सकते हैं आप, बर्ड्स भी आई हुई है। हम देखते हैं कि इसमें रूट्स जो है वो किस तरह से बनी है। तो इधर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये जो मेरे जाफरी वाला गेंदा है मैरीगोल्ड का, इसमें रूट जो है वो बन गई है। तो इस तरह से हम फ्री में कटिंग से प्लांट जो है वो रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि अगला जो प्लांट है डेंथस का प्लांट है, तो ये रानी कलर का है और ये दो कलर का मिक्स वाला प्लांट है। तो इसकी भी कटिंग अगर आप अभी लगाएंगे तो आपके जो फ्री में है डेंथस के प्लांट रेडी हो जाएंगे फ्रेंड। तो इस तरह से आपको मार्केट से बार बार नर्सरी से प्लांट जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटे से ग्रो बैग में ही मैंने डेंथस की कटिंग जो है लगा दी थी फ्रेंड। और प्लांट है वो गुलाब का प्लांट है, तो ये देसी वाला गुलाब है फ्रेंड, और बहुत ही आसानी से ये जो प्लांट है कटिंग से लग जाते हैं। मेरा व्हाइट वाला गुलाब का प्लांट है, तो इसी तरह से ये देख सकते हैं, ये है मैरून कलर वाला गुलाब का प्लांट। तो इसी की कटिंग लेकर मैंने इसी के पॉट में दबा दी थी। देखिए, ये जो कटिंग है मेरी फ्री में बहुत ही आसानी से मेरा जो प्लांट है देसी वाला गुलाब का लग गया। टूटे हुए कप में ही मैंने गुलाब की कटिंग लगा दी थी, और ये कटिंग भी मेरी लग गई है। और इसमें तो मैंने गुलाब की तीन चार कटिंग जो है लगा के रखी है, और सभी की सभी कटिंग इस तरह से लग गई है। तो अगर आप भी फ्री में गुलाब के प्लांट रेडी करना चाहते हैं तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है, इसे कटिंग से रेडी कर सकते हैं। से अगला जो प्लांट है वो गुलदाउदी का प्लांट है। तो अगर आपके पास गुलदाउदी के कोई भी कलर जो है वो नहीं है और उस कलर को आप ऐड करना चाहते हैं, तो अभी इसके जो कटिंग है इसे आप लगा लीजिए, ताकि अगले साल के लिए जो प्लांट है आपका फ्री में आपके पास में रेडी हो जाएगा। तो इसकी कटिंग अगर अभी आप लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपके जो प्लांट है फ्री में रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कटिंग से मैंने ढेर सारे गुलदाउदी के प्लांट जो है वो फ्री में बना के रखे हैं। तो इसके नीचे से इस तरह से ब्रांच जो है वो निकलती रहती है, तो इसे अगर आप कट करके लगा देंगे तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट
प्लांट है आपका फ्री में रेडी हो जाएगा। कुछ विंटर के फ्लावरिंग प्लांट जो है वो दिखाएं जिसे आप फ्री में अभी रेडी कर सकते हैं ताकि अगले साल विंटर में आपका जो प्लांट है फ्री में आपके पास में रेडी हो जाए। इंडोर प्लांट्स भी दिखा देती हूँ जिसे मैंने कटिंग से रेडी किया है, और इस तरह से कटिंग कर करके ढेरों इंडोर प्लांट जो है वो फ्री में आप अभी बना सकते हैं। तो ये है मेरा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट में इस तरह से रनर्स जो हैं वो निकलते रहते हैं, आप देख सकते हैं इसमें जितने भी इस तरह के छोटे छोटे बेबी प्लांट लगे हुए हैं, इससे हज़ारों प्लांट जो हैं आप फ्री में बना सकते हैं। देख सकते हैं कि मैंने फ्री में एक ही स्पाइडर प्लांट से कितने सारे स्पाइडर प्लांट जो हैं वो बना लिए हैं, और इसके हैंगिंग बास्केट जो हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो देख सकते हैं इसमें इस तरह से रनर जो है निकले हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक प्लांट जो है इसमें से ले लेना है, कोई भी एक प्लांट आप इसे ले लीजिए और इसे मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत ही जल्दी आपका जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा। यह मेरा विंका का पॉट, तो इसी पॉट में मैं इस प्लांट ये जो छोटी सी कटिंग है इसे मैं दबा देती हूँ। मैंने एक इसके बेबी प्लांट को दबा दिया था फ्रेंड, और देख सकते हैं ये जो बेबी प्लांट है इसमें रूट जो है वो किस तरह से बन गई है। चलिए मैं आपको निकाल के इसे दिखा देती हूँ। देखिए इसमें रूट जो है बहुत ही अच्छे से बन गई है। आप देख सकते हैं कि मैंने स्पाइडर प्लांट के बेबी से कितने सारे स्पाइडर प्लांट जो है वो फ्री में बना लिए हैं फ्रेंड। तो अगला जो इंडोर प्लांट है वो क्रोटन का प्लांट है। तो क्रोटन का प्लांट जो है इंडोर प्लांट में काफ़ी खूबसूरत प्लांट माना जाता है, और इस प्लांट को सभी अपने घर के अंदर या बाहर कहीं भी लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। घर देखने में खूबसूरत तो लगता ही है, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी देता है, और नर्सरी में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं जो प्लांट है। कोई भी पतली से पतली ब्रांच को आप ले लीजिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत ही आसानी से आपका जो प्लांट है फ्री में रेडी हो जाएगा। क्रोटन की पतली सी कटिंग मैंने ली है, इसके नीचे आपको एलोवेरा जेल लगा देना है। अगर एलोवेरा जेल नहीं भी लगाएंगे तो सिंपली इसे मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट है आपका रेडी हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको छोटी सी इसकी टिप लेनी है और इस तरह से मिट्टी में दबा देना है। प्लांट की किसी भी वैरायटी को अभी आप कटिंग से लगाएंगे तो फ्री में आपका जो प्लांट है रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये येलो डॉट वाला क्रोटन है, इसकी दो कटिंग मैंने इस ग्लास में ही लगा दी थी फ्रेंड, और देखिए इसमें कितने अच्छे से रूट जो है वो बन गई है। तो इस तरह से फ्री में आप क्रोटन प्लांट को घर में ही रेडी कर सकते हैं। और ये देखिए ये क्रोटन की बहुत ही सुंदर सी वैरायटी है, तो इसे भी मैंने कटिंग से रेडी किया है और ये भी प्लांट जो है मेरा लग गया है, जो है वो काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में रूट जो है इस प्लांट में बन गई। जो प्लांट है वो अरेलिया का प्लांट है, ये तो बड़े पत्तों वाला अरेलिया का प्लांट है, इसमें एक छोटे पत्तों वाला भी आता है जिसकी जो पत्तियां होती है काफ़ी खूबसूरत लगती है और वेरीगेटेड होती है। तो इसके इसे भी आप कटिंग से लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से जो प्लांट है भी कटिंग से लग जाएगा। तो इसकी टिप पर से ले लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। ऐसे कटिंग कर करके ही फ्री में अरेलिया के दो प्लांट जो है और भी रेडी कर लिए फ्रेंड, और इस तरह के वेस्ट में ही आपको प्लांट जो है प्लांट की कटिंग जो है लगा देनी है। तो बहुत ही आसानी से इस तरह के घर से निकलने वाले कोई भी टूटे फूटे कबार में आप लगा लीजिए प्लांट की कटिंग से, रूट जो है इसमें बन गई है। तो चलिए मैं आपको निकाल कर दिखा दूँ कि इसमें रूट जो है वो कितने अच्छे से बनी है। तो देखिए मेरे अरेलिया के प्लांट में बहुत ही अच्छे से रूट जो है वो बन गई है। जो इंडोर प्लांट है वो सिंगोनियम का प्लांट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही कम केयर में चलता रहता है। तो इसमें ढेर सारे नोड एरिया जो है वो निकलते रहते हैं इस प्लांट में। तो इसे आप नोड एरिया से ही कट करके अगर लगाएंगे तो यहाँ से, तो आप देख सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आपका जो प्लांट है वो फ्री में रेडी हो जाएगा। और इतने ज़्यादा ये प्लांट हो जाते हैं कि फिर आप इसे काटते काटते और पड़ोसियों को बांटते बांटते थक जाएंगे, लेकिन ये जो प्लांट है वो कम नहीं होगा। कटिंग जो है मैंने इस पॉली बैग में सिंगोनियम के लगा ली थी। सिंगोनियम जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं फ्रेंड, इसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। और अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। देख सकते हैं कटिंग जो है मेरी बहुत ही अच्छे से लग गई है। जो ब्यूटीफुल सा दिखने वाला इंडोर प्लांट है वो है कोलियस का प्लांट। तो कोलियस के बिना आपका जो गार्डन है वो अधूरा है, पूरे साल आपके गार्डन में इस तरह से खूबसूरती जो है बनाए रखेगा। तो अगर आपके पास फूलों वाले प्लांट नहीं है, कम है, तो आप कोलियस को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें, ये फूलों की कमी जो है वो दूर करता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये जो प्लांट है। और बहुत ही आसानी से जो प्लांट है लग भी जाते हैं, कम केयर में चलते भी रहते हैं। बस इसकी एक छोटी सी टिप लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। देख सकते हैं कि ये जो पर्पल पत्तों वाला कोलियस का प्लांट है, मेरे पास एक ही प्लांट है फ्रेंड, और इसी की एक छोटी सी कटिंग मैंने कुछ दिनों पहले ही मिट्टी में दबा दी थी। तो आप देख सकते हैं जो कटिंग है मेरी बहुत ही आसानी से एक और प्लांट जो है मेरे फ्री में इसका रेडी हो गया है। ये दूसरा वाला कटिंग है, देख सकते हैं आप, इसे भी मैंने पॉली बैग में इस तरह से दबा दिया था और ये देखिए इसमें भी बहुत ही अच्छे से रूट जो है वो बन गए। तो कोलियस प्लांट की कटिंग को लगाने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इसकी छोटी सी टिप भी अगर आप कट करके मिट्टी में दबाएंगे तो ये जो प्लांट है पूरे साल लग जाता है बहुत ही आसानी से। इस प्लांट को लगाने के लिए आप कभी भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। इस तरह खूबसूरत सा दिखने वाला जेट प्लांट, जो कि एक शुभ प्लांट भी होता है और इसकी पत्तियाँ ही जो काफ़ी खूबसूरत लग। प्लांट की कटिंग को लगाना बहुत ही आसान है, एक छोटी सी टिप आप इसकी लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, बहुत ही आसानी से जो प्लांट है वो आपका रेडी हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से इसके नीचे की जो पत्तियां हैं उसे आपको हटा देना।
सकते हैं कि छोटी सी कटिंग मैंने जेट प्लांट की ले ली है और उसे बस इस तरह से सिंपली मिट्टी में आपको दबा देना है और बहुत ही आसानी से जो प्लांट है आपका रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं कि यहाँ छोटी सी कटिंग मैंने कुछ दिनों पहले ही लगाई थी, तो इसमें हम देखते हैं कि रूट जो है वो किस तरह से बन गई है। तो ये जो कटिंग है मेरी लग गई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जेट प्लांट की छोटी छोटी ढेरों कटिंग जो है लगा के रखी है। मैंने इस तरह से कबाड़ में ही लगा के रखा है। ये मिठाई का डब्बा और ये मशरूम का डब्बा है, इस तरह से ये छोटे छोटे पॉट में बहुत ही अच्छे से चलते रहते हैं। फ्रेंड वो स्नेक प्लांट है जो कि काफ़ी खूबसूरत और हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को अगर आप केयर नहीं भी करेंगे और पानी दस्ती नहीं भी देंगे तो जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलता रहता है। तो इसमें ढेर सारे इस तरह से बेबी प्लांट जो है निकलते रहते हैं, तो उसे आप सेपरेट करके किसी अलग पॉट में लगा देंगे तो फ्री में इस तरह से आपका प्लांट जो है रेडी हो जाएगा। प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, इसे आप एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसकी जो पत्ती है उसे कट कर मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत ही जल्दी इसका जो प्लांट है रेडी हो जाएगा। और छोटे छोटे पॉट में लगाकर इसे आप घर के इंडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लांट है सुंदर तो लगता है देखने में और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी देता है। फ्रेंड्स परमानेंट प्लांट भी देख लेते हैं जो कि पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो इस प्लांट को आप कटिंग से अभी लगाएंगे तो जो प्लांट है कटिंग से आपके पास में रेडी हो जाएगा। यह मिर्ची है, इसके जो फ्लावर होते हैं इस तरह से ही आधे खुलते हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। और इसके फ्लावर जो है एक बार खिलने के बाद 2-4 दिनों तक इसी तरह से बने रहते हैं। तो ये जो इसकी जो कटिंग है लगाना बहुत ही आसान है। टिप पर से इसकी कोई भी टिप पर से कटिंग लीजिए और मिट्टी छोटी सी कटिंग है, ये मिर्ची गुड़हल की है। तो इसे मैंने इस तरह से प्लास्टिक के ग्लास में ही लगा दिया था फ्रेंड, और देख सकते हैं इसमें रूट जो है वो किस तरह से बन गई है। तो छोटी सी इसकी जो कटिंग है उसे भी आप लगा देंगे तो इसे आपका जो प्लांट है मिर्ची गुड़हल का फ्री में रेडी हो जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट है वो है यूफोर्बिया मिलिका, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होते हैं। इस प्लांट को अगर आप पानी नहीं भी देंगे तो ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से चलता रहेगा। फिर है कि इसके जो फ्लावर्स एक बार खिल जाते हैं तो एक एक महीने तक इसके जो फ्लावर्स हैं इसी तरह से टिके रहते हैं। तो ये जो प्लांट आप फ्री में बनाना चाहते हो इसकी कटिंग लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए, लेकिन इसकी कटिंग में पानी आप नहीं डालेंगे और कुछ दिनों बाद ही इसमें पानी आप डालेंगे। आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कटिंग ही मैंने ये फोर्बिया मिली की इसमें लगाई थी और इसमें भी फ्लावरिंग जो है अब स्टार्ट हो गई है। ढेरों प्लांट जो है वो कटिंग से रेडी कर लिए हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है क्योंकि इसे बहुत ही कम केयर करनी पड़ती है, तो ये प्लांट जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके फ्लावर्स खिलने के बाद काफ़ी दिनों तक लगे रहते हैं फ्रेंड, तो बहुत ही कम केयर में चलने वाला अच्छा प्लांट है ये। तो देख सकते हैं कि मेरे ये फोर्बिया मिली के प्लांट में रूट जो है वो बन रही थी फ्रेंड। और प्लांट में ड्रेसिना का प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो इसकी ब्रांच लीजिए और इसे कट करके मिट्टी में दबा दीजिए। देख सकते हैं कि मैंने छोटी छोटी ये आप देख सकते हैं छोटी छोटी ड्रेसिना की कटिंग सी है जिसे मैंने लगा दिया था इस तरह के वेस्ट बॉटल्स में, और देखिए कटिंग मेरी कितनी अच्छे से लग गई है। परमानेंट प्लांट में इस तरह से आप देख सकते हैं ये है मेरा पंचमुखी गुड़हल, जिसमें बहुत ही अच्छे से बड्स जो हैं अभी बनी हुई है और बहुत ही सुंदर इसके जो फ्लावर्स हैं काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप पंचमुखी गुड़हल के प्लांट जो है वो फ्री में रेडी करना चाहते हैं तो इसे इसकी जो कटिंग है इसे आप अभी लगा लीजिए, बहुत ही आसानी से इसकी जो कटिंग है वो लग जाती है। कटिंग को लगाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इसकी एक छोटी सी टिप जो है इस तरह से आप इसकी छोटी से छोटी टिप को भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि एक छोटी सी टिप ही है तो इसे आप चाहे तो एलोवेरा जेल में भी लगा सकते हैं और इस तरह से सिंपली मिट्टी में भी दबा के लगा सकते हैं और बहुत ही जल्दी ये जो कटिंग है आपकी लग जाएगी। तो इधर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कटिंग ही मैंने पंचमुखी गुड़हल की लगा दी थी एक छोटे से ग्रो बैग में, और देखिए मेरा जो प्लांट है फ्री में रेडी हो गया है फ्रेंड। इस तरह से आप चाहे तो चांदनी प्लांट की किसी भी कटिंग को भी लगा सकते हैं, किसी भी वेराइटी को। तो ये तो मेरा डबल पेटल वाला चांदनी का प्लांट है, तो इसकी भी कटिंग अगर आप अभी लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी कटिंग जो है वो लग जाएगी। इधर आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कटिंग ही है जो कि मिनी चांदनी की है, छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स आते हैं व्हाइट कलर के, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही रेडी किया है फ्रेंड्स। इधर आप देख सकते हैं कि सिंगल चांदनी के प्लांट की दो छोटी छोटी कटिंग जो है मैंने इस डिस्पोजेबल गिलास में लगा दी थी, और आप देख सकते हैं इसमें रूट जो है वो किस तरह से बन गई है। इस तरह से आपने देखा कि कितने सारे प्लांट जो है वो कटिंग कर करके फ्री में हम बना लेते हैं और बहुत ही आसानी से हम जो ये प्लांट हैं बिना नर्सरी गए फ्री में बना सकते हैं।